गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून, आपको ये वीडियो 1 बजे मिलेगा तो गुड आफ्टरनून। तो गाइज अभी मैं जॉब करके आई, हाँ मैं रोज़ खाती हूँ थोड़ा बहुत जॉब करने के बाद, बट हाँ तो अभी हैं हम साक्षी मिष्ठान भंडार में और यहाँ का एवरीथिंग इज़ सो फेमस फॉर द देसी घी थिंग। यहाँ में सब सामान देसी घी में बनता है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा ही हाइप है हमारे जमशेदपुर में। तो पहला ट्यूजडे ट्रीट्स का वीडियो हम साक्षी मिष्ठान भंडार से शुरू करें, कुछ मीठा और कुछ समोसा के साथ। तो चलो आज देखते हैं यहाँ का टेस्ट क्या है। हमने पहले खाया हुआ है ये, बट स्टिल आज आपको उसका रिव्यू पूरा पर्टिकुलरली देंगे कि समोसे के अंदर क्या था क्या नहीं था। तो हाँ ट्यूजडे ट्रीट्स का पहला वीडियो है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, होप आपको ये ट्यूजडे ट्रीट्स पसंद आए। और पहला एपिसोड चलो शुरू करते हैं। आलू की सब्जी, मीठी चटनी और ये है कचौड़ी। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। चलो ये डिलीशियस कचौड़ी ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है क्योंकि वहाँ पे फूड प्रिपरेशन भी हो रहा है, तो वो गैस का कुकर वुकर का थोड़ा आवाज़ है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलो इसको ट्राई करते हैं हम लोग। सब देख सकते हैं ये थोड़ा क्रिस्प है कचौड़ी, मैंने तोड़ा। इसमें कुछ फिलिंग है हल्का हल्का, सत्तू का है कि क्या चीज़ का समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए फिलिंग है एकदम। चलो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मज़ा ही आ गया। गरम गरम कचौड़ी सुबह सुबह विद आलू की सब्जी, और इनकी सब्जी कुछ अलग ही टेस्टी होती है आलू की। ये ना हम नॉट नॉर्मल जो हम लोग घर में बनाते हैं, अलग ही टेस्ट आता है इसका। इसमें बहुत सारे पत्ते भी डाले हुए हैं, धनिया पत्ता भी है, और सीरियसली अलग ही मसालों का फ्लेवर है। घर में ऐसा नहीं बनता, एकदम क्लियर है। तो चलो मारी कचौड़ी की सेकंड बाइट खाते हैं। ओके वन मोर चीज़ गाइस, कि यहाँ पे ना आपको 8:30 के बाद ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आज भी मैं 8:00 से खड़ी हूँ, तो थोड़ा वेट करना पड़ा था क्योंकि वो बन रहा था, तो इसीलिए 8:30 से सब अवेलेबल होगा। तो यू कैन कम एट 8:30। समोसा कितना क्यूट है ना, ध्यान से देखो इसे। समोसे के साथ हमें मिला है यहाँ पे चटनी, भाई चटनी जो हमने अलग से लिया था सब्जी के साथ, मैंने मंगवाया था वो साथ में नहीं देते हैं। तो या ये था देख छोड़ी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि एकदम गर्म गर्म निकल के आ रही है अभी तेल से, ऑयली नहीं है ज़्यादा। बट एक बात मैं बताना चाहूँगी, मेरे भैया ठीक है वो पुणे में रहते हैं, एंड व्हेनेवर ही कम्स, ऐसी चीज़ ऐसा है यहाँ पे कि
आदमी अगर आएगा आउट ऑफ स्टेशन से भी तो ऐसी चीज़ है कि आगे ये ज़रूर खाएंगे. मतलब देर इज नॉट अ सिंगल टाइम जब आदमी आए बाहर से आउट ऑफ स्टेशन से और यहाँ का टेस्ट ना करे, अगर वो पुराने कुछ कोई होंगे. इवन मी, मैं जब कोलकाता में थी यहाँ आती ज़रूर एक क्रेविंग होता था कि मुझे एक बार ये ट्राई करना है, तो ज़रूर आती. तो अभी चलो इसको ट्राई करते कैसा है. बहुत गर्म है इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी. कुछ ज़्यादा ही गर्म है यार. बहुत क्यूट लगता है छोटे छोटे. इसका प्राइस मैं आपको बता दूंगी. देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, पकड़ा नहीं जा रहा है. इधर आलू है और समोसा में आलू ही होता है ऑब्वियसली. ये देख सकते हो आप कितना सही कलर है इसका. टेस्ट किया जाए इसको. गाइस पहली बात तो समोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, अच्छा से एकदम थोड़ा. और अगर आप इसे गरम गरम खाओगे ना तो इसका मज़ा अलग होगा, इसका टेस्ट अलग ही आ रहा है कुछ गर्म है. अगर ये ठंडा हो जाएगा ना इतना मज़ा नहीं आएगा, आई एम फॉर श्योर, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है. इनकी चटनी थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए आप जो समोसा के साथ इनकी चटनी खाते हैं तो अलग ही टेस्ट आता है. मुझे इतना सही घुल जाता है कि मज़ा ही आ जाता है. अभी मैंने यहाँ का दो फेमस चीज़ खाया और दो फेमस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही बैकग्राउंड में नॉइज़ है, तो मैंने अभी दो चीज़ खाया है. अब मैं जाती हूँ ट्राई करने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा यू नो स्वीट्स जो ज़्यादा फेमस है वो मैं ट्राई करती हूँ. तो चलो देखते हैं. यहाँ मैंने एक्चुअली रेनोवेट हो रहा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि पहले जब हम आते थे ऐसे खड़े होके नहीं था, बैठ के खाने का था. तो आई थिंक कोविड के बाद जो रेनोवेशन हुआ है उसलिए, और इसलिए जो खाली खाली है थोड़ा रेनोवेशन हो रहा है. तो चलो अभी पूछते हैं उनसे कि कौन सा यहाँ का सबसे ज़्यादा यू नो फेमस मिठाई है. अच्छा यहाँ का सबसे फेमस मिठाई कौन सा भैया? सभी मस्त है, लेकिन एक तो जो सबसे ज़्यादा बिकता है. भैया कन्फ्यूज हो गए हैं. काजू बर्फी बोले, ठीक है मुझे दो दे दीजिए. तो गाइस इन्होंने बोला है कि यहाँ की काजू बर्फी बहुत फेमस है, तो चलो काजू बर्फी ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि वो कैसा टेस्ट करता है यहाँ का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट में टेस्ट व्हेन इट कम्स टू काजू बर्फी. यहाँ रही, ये रहा मेरा काजू बर्फी. तो ये रहा काजू बर्फी, चलो इसको ट्राई करते हैं. वही नॉर्मल काजू बर्फी जैसे होती है और मुझे जैसे पसंद है वैसे ही है. सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब कुछ तो बात है. तो गाइस टोटल हमारा बिल हुआ 119 रुपीज़. दो समोसा लिया हमने और हम चार समोसा लिया था, क्योंकि आई हैव अ पर्सन हु इज शूटिंग फॉर मी. सो या मेरा फ्रेंड है. बेसिकली हमने चार समोसा लिया, तो एक समोसा 10 रुपये का है, एक कचौड़ी 10 रुपीज़ का, एंड काजू बर्फी और उसका सब कुछ मिला के 119 रुपीज़ हुआ था. तो बहुत ज़्यादा ही बजटेड में हमारा ब्रेकफास्ट हुआ और ये बहुत अच्छा ही जगह था, क्योंकि सब कुछ देसी घी में था और टेस्ट तो वही लाजवाब. तो हाँ गाइस आप आ सकते हो यहाँ पे आपको जब भी मन करे, बट इसका लोकेशन है साक्षी मार्केट के अंदर में, साक्षी मिष्ठान भंडार. और ज़रूर आना, ट्राई करना और मेरे को रिव्यू जरूर देना अगर आपको अच्छा लगे. तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. होप आपको मेरा पहला ट्यूजडे ट्रीट का वीडियो अच्छा लगा. मुझे थोड़ा अलग करना था तो यहाँ में मैं देसी घी का कुछ नहीं आई थी. अगला वीडियो में कुछ और नया लाएंगे. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ताकि हर ट्यूजडे एक ट्यूजडे ट्रीट के साथ मैं आपको ट्रीट दूँ. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय.